1857 के विद्रोह का या फिर क्रांति का इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, विदेशी सत्ता के खिलाफ भारत के संघर्ष के इतिहास में 1857 का विद्रोह क्या है, तो एक तरह का युगांतकारी घटना है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ठीक है, भारत में अंग्रेजों के वर्चस्व के खिलाफ एक शताब्दी से चल रहे तीव्र विद्रोह की लंबी परंपरा का चरम उत्कर्ष था। ठीक है, ध्यान रखें, आकस्मिक घटना किसे कहते हैं जो स्वतः शुरू होती है, लेकिन हर कोई बड़ा विद्रोह या फिर बड़ा घटना का कोई ना कोई आकस्मिक कारण हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो एक ऐसा कारण था जो कि आकस्मिक नहीं था। ठीक है, इससे पहले केवल घूट छूट फूट स्थानीय बगावते और विद्रोह विरोध हुए थे। इससे पहले बात करेंगे तो कहीं कहीं पे छूट फूट ब्रिटिश शासन के खिलाफ आपको विरोध तो देखने को मिला था, लेकिन सामूहिक रूप से व्यापक ठीक है रूप से कहीं भी आपको इतना बड़ा विरोध आपको नहीं देखने को मिला था। ठीक है, 1857 का विद्रोह विस्तृत और बड़े पैमाने पर हुआ, कई केंद्रों में सिपाहियों ने बगावत कर दी, इसके साथ ही आंतरिक उपद्रव शुरू हो गए। ठीक है, ध्यान में रखें, ये हमारा क्या होगा, 1857 का विद्रोह का क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। या कोई जीएस पेपर वन के लिए भी, बीपीएससी जीएस पेपर वन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 1857 का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार इसका केंद्र रहा है। क्या रहा है, बिहार ही जो है इस घटना का केंद्र रहा। आप देखेंगे इसके कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहले आर्थिक कारण, 1857 के विद्रोह का कारण की बात करेंगे तो सबसे पहले आर्थिक कारण आएगा। आर्थिक कारण में क्या कर, भारी करारोपण ने किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मतलब क्या कही थी, बिगड़ गई थी। ठीक है, तो भारी करारोपण से किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मतलब क्या हो गई, बिगड़ गई। राजनीतिक कारण में जाएंगे तो प्रभावी नियंत्रण की सहायक संधि और हड़प नीति जैसे नीति जो थी ये इसके राजनीतिक कारण थे। अगर पूछेगा आर्थिक कारण क्या थे, तो किसानों के ऊपर बहुत अधिक कर लगाना। राजनीतिक कारण में दो कारण बताएंगे, एक कारण जो था सहायक संधि था, दूसरा था डलहौजी की राज्य हड़प की नीति। ठीक है, दोनों कारण था। तीसरा कारण में हम लोग देखेंगे कौन सा हमारा धार्मिक कारण है। धार्मिक कारण में क्या था, सामाजिक धार्मिक कारण में देखेंगे तो अंग्रेजों का नस्लीय वर्ण, वर्ण का मतलब रंग होता है। क्या होता है वर्ण का मतलब, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है। अंग्रेजों का नस्लीय वर्ण, नहीं अंग्रेजों का नस्ल, अंग्रेजों का नस्लीय वर्ण और उनकी श्रेष्ठता की सोच के साथ ईसाई मिशनरी की गतिविधियां। अब अंग्रेजों का नस्लीय वर्ण क्या था, उनका मानना था जो ठीक है, जो कि मतलब व्हाइट नस्ल के लोग जो है वो क्या श्रेष्ठ है, मतलब दे आर सुपीरियर। ठीक है, किनके कंपेयर में सुपीरियर है, तो ब्राउन रंग के कंपेयर में व्हाइट नस्ल के जो लोग जो है वो क्या सुपीरियर है। उसके बाद मतलब और भी क्या रीजन थी, तो ईसाई मिशनरी की गतिविधियां। ईसाई मिशनरी जो भारत में जो आ रहे थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने तरह तरह के मतलब क्या किए, लोगों के धर्म परिवर्तन करवाए। ठीक है, लुभावने चीजें मतलब उनके साथ की गई। तो ये सारे के सारे कारण जो थे सामाजिक और धार्मिक कारण थे। ठीक है, तीसरा नंबर का अगर अन्य कारण की बात करेंगे तो प्रशासनिक कारण क्या थे, तो कंपनी के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, कंपनी बहुत अधिक भ्रष्टाचार हो गई थी। इसलिए 1857 के आप देखोगे तो क्या, तो वैसे तो 1813 और 33 में कंपनी के एकाधिकार को कम किया गया था, लेकिन 1857 में कंपनी को मतलब एक तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब कंपनी आगे भी व्यापार करते रहेगी। 1857 में कंपनी के हाथों से प्रशासन व्यवस्था को ले लिया गया था, शासन व्यवस्था को, लेकिन कंपनी आगे भी आई थिंक 76 तक साल व्यापार कर रही थी, लेकिन उसमें ब्रिटिश सरकार का कोई वो नहीं था, ब्रिटिश सरकार उसको कंट्रोल नहीं करी, अपना हाथ ब्रिटिश सरकार उनसे उठा लिया था। ठीक है, ये सारे कारण थे। उसके बाद हम लोग आएंगे आर्थिक कारण में, नीचे और भी दिया हुआ, जैसे साहूकार और व्यापारी ने नए जमींदारों वर्ग के रूप में उभरे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कारीगर और दस्तकारों के संरक्षण के स्रोतों को समाप्त करके उस पर कब्जा किया गया। तो ये सारे के सारे कारण जो थे ये किसमें आएंगे, तो आर्थिक कारण में आएंगे। ठीक है, तो आर्थिक कारण चार पांच आप लोग याद रखिए एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद एक और भी था, कुरांटो को बारंबार प्रयोग करके कई जमींदारों को उनके जमीन से मतलब विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, मैंने बता दिया यहाँ पे राजनीतिक कारण में दो कारण को आप लोग लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे राजनीतिक कारण में, तो सबसे पहले आपको लिखना सहायक संधि और राज्य हड़प की नीति, ये सारे के सारे राजनीतिक कारण थे। आप यहाँ पे देखिए रिपोर्ट तैयार किया गया था 1856 में, जिसको बोलते हैं आउट्रम रिपोर्ट, किस रिपोर्ट के नाम से जाना, ये भी प्रश्न पूछा जाता, कौन सा रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट बोलते हैं इसको, आउट्रम रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, आउट्रम रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का मतलब क्या कर लिया गया, अवध के ऊपर मतलब क्या किया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, आज अवध का उस समय शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था अवध का, अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह, क्या नाम था उनका, वाजिद अली शाह।
एक कारण और भी था, स्थानीय राजकुमारों के नाम मात्र प्राधिकार को छीनने की कोशिश की गई और उनकी पेंशन को बड़ी मात्रा में घटा दिया गया। बहुत सारे राज्य के साथ राज्य हड़प की नीति के साथ पहले भी मिलाया जा चुका था, या फिर उनके साथ सहायक संधि की गई थी तो उनको एक पेंशन देने की बात कही गई थी, लेकिन उनके पेंशन को कम कर दिया गया। और भी बहुत सारे, जैसे किसी मतलब इनका बहादुर शाह जफर को बोला गया था तुम लाल किला को खाली करो और कुतुब मीनार में जाके मतलब रहना शुरू करो। बताइए, अब उतना राजा महाराजा बरसों से उनकी पूर्वज मतलब रही आ रही थी, उनको राजमहल खाली करने के लिए बोला गया, महल को खाली करने के लिए बोला था। ये सारे रीजन जो थे ये आपके राजनीतिक कारण में आएंगे। उस पर ये याद कर लीजिए, सतारा को 1838 में हड़प लिया गया, मिला ही जा रहा, इसको याद कीजिए। सतारा कब, आप लोग बताइए, साल बताइए। सतारा 1848, अड़तालीस ठीक है। नागपुर संभलपुर 1850, पूछा जाता है इसलिए मैं याद करवा रहा हूं। नागपुर संभलपुर 1850, उदयपुर की बात करेंगे 1852, झांसी याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी कब, तो 1853, ठीक है। और अवध याद कीजिए, अवध कब, सबसे बाद में अवध कब, 1856, तिरपन अवध कब, छप्पन 56, ठीक है, ध्यान अठारह सौ रखिएगा ये तारीख, छप्पन आप लोग साल याद रखेंगे आप लोग। सतारा 1848 में, नागपुर संभलपुर की बात करेंगे 1850 में, उदयपुर की बात करेंगे 1852 में, झांसी की बात करेंगे 1853 में, अठारह सौ अवध की बात तिरपन करेंगे 1856 पे। इस पे अठारह सौ मतलब क्या किया गया, छप्पन कब्जा कर लिया गया, इस पे क्या किया गया, कब्जा कर लिया गया, ठीक है। तो राज्य की हड़प नीति ये भी क्या था, राजनीतिक कारण था। सामाजिक आर्थिक कारण बता दिए, नस्लीय वर्ण का बहुत बड़ा भेदभाव था, कोई भी जो सेना में जो अधिकारी जो होता था वो एक सूबेदार, कौन सा सूबेदार, हाँ सूबेदार रैंक से बड़ा अधिकारी बन ही नहीं पाता था, मतलब समझिए ना, मतलब कोई भी बड़ा अधिकारी कितना भी पहले उनको नौकरी क्यों ना हो जाए, एक लिमिट पे जाकर लोग रुक जाते थे, मतलब यहाँ तक कि प्रमोशन भी नहीं इनका हो पाता था, ठीक है। सामाजिक धार्मिक, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, विधवा विवाह स्त्री शिक्षा को मतलब बढ़ावा दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। तो अभी आपको अच्छा लग रहा सर, ब्रिटिश ने तो बहुत अच्छा काम किया, सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, क्यों, अभी हम लोग पढ़े लिखे, हमारी सोच उतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उस समय जब सती जैसा प्रथा को समाप्त किया गया तो भारत के जो लोग जो थे उन्होंने सोचा था ब्रिटिश हमारी धार्मिक नीति में हस्तक्षेप कर रही है, जो परसों से पुरानी नीति चली आ रही है, ठीक है, और इनके वजह से उनको अपना विरोधी समझा गया, ठीक है। तो ये धार्मिक रीजन में ये आएगा, सती प्रथा का, उन्होंने विधवा को पुनः विवाह शुरू किया, क्योंकि विधवा का पुनः विवाह करना उस समय पाप समझा जाता था, अब ब्रिटिश ने इसको वैलिड कर जैसा दिया, से नहीं विधवा को भी पुनः विवाह किया जा सकता है। तो इसको भी मतलब उन लोगों ने, ठीक है, अपने धार्मिक हित के ऊपर एक तरह का मतलब चोट समझा, ठीक है। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा जी देना, स्त्री शिक्षा को लिए बढ़ावा देने के लिए कोई चीजें की गई थी, उसको भी मतलब इन लोगों ने अच्छा नहीं समझा, ठीक है। उसके बाद मजदूरों और मंदिरों के भूमि पर करारोपण करने, सॉरी, मस्जिदों और मंदिरों के भूमि पर करारोपण करने का सरकार का निर्णय, मंदिर का भूमि मस्जिद का भूमि अभी भी टैक्स फ्री होता है, अभी भी सरकार उस पर कर लगाने का काम नहीं करती, लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार ने कोशिश किया। इसके ऊपर भी ये धार्मिक रीजन में आ जाएंगे, इसके इससे मतलब क्या हुआ, लोग मतलब काफी अधिक मतलब क्या हो गया, नाराज हो गए, ठीक है। जी कुछ विधायी उपाय भी किए गए, ठीक है, जैसे कि जैसे धार्मिक निर्योगता अधिनियम 1856 में यह घोषित किया गया कि धर्मांतरण के कारण संपत्ति के अधिकार से बेटे को वंचित नहीं रखा जाएगा। पहले मतलब कोई धर्म परिवर्तन अगर करता था तो परिवार के लोग उनको धर्म से क्या करते थे, उनको संपत्ति से मतलब अपने वंचित कर जरा देते थे, से नहीं अब कुछ नहीं देंगे जी अब हम तुमको, ठीक है। अभी भी क्या होता है, परिवार में देखिए कोई किसी दूसरे धर्म में या फिर दूसरे कास्ट में शादी कर लेता है तो घर का गार्जियन क्या करते हैं, उनको अपने संपत्ति से उनको बेदखल कर देते। तो घर उस से समय निकाल देते कोई धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहता था, क्योंकि सबके मन में डर लगा हुआ रहता था तो अगर हम करेंगे तो पिताजी हमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तो इसीलिए अलग से जी एक नियम सर ही बना देती है ब्रिटिश सरकार, क्या नियम बना देती है, भाई साहब तुम धर्म परिवर्तन करो ना, हम एक अलग से नियम बना रहे हैं, अगर तुम कर भी लोगे तो तुमको धार्मिक तुम्हारे जो पूर्वज का जो संपत्ति है उनसे तुमको मतलब बेदखल नहीं किया जाएगा, वंचित वंचित नहीं किया नहीं जाएगा। किया इससे जाए मतलब क्या हुआ, जी लोग मतलब फ्री हो गए, अब उनके मन में डर नहीं रहा, तो धर्म परिवर्तन करने से उनकी मतलब क्या होगी, तो उनका मतलब क्या चला जाएगा, तो उनका संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, तो ये विधायी उपाय थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे जो प्रमुख रीजन, ये सारे कारण जो थे 1857 के क्रांति या फिर विद्रोह के लिए मतलब ये थे उचित कारण थे, ठीक है। तो इन सारे कारणों से मतलब धीरे धीरे हुआ, लेकिन एक कारण ऐसा आएगा जो कि मतलब क्या होगा, स्वतः ही मतलब उसके बाद क्रांति की मतलब शुरुआत हो जाएगी। वो कारण जो था सिपाहियों में असंतोष का फैलना था, ठीक है। अब सिपाहियों में भी असंतोष फैलने का बहुत सारे रीजन थे, लेकिन उनमें से जो जी सबसे जो सर प्रमुख रीजन जो आएगा, जो कि तत्कालीन कारण बनेगा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग बनेगा, लेकिन सिपाहियों में असंतोष फैलने के क्या क्या कारण थे उसके भी थोड़ा फैक्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जातिगत और सांप्रदायिक चिन्हों को पहनने की मनाही और पुरोहितों के धर्मांतरण गतिविधियों की अपवाह है। तो सबसे पहले जातिगत मतलब सिपाही जो थे क्या लगाते थे, माथे पे तिलक लगाते थे, गले में मतलब क्या करते थे, गले में मतलब लॉकेट पहनते थे, हाथ
हाथ में, मतलब क्या करते थे जो हिंदू होते तो बांधते थे हाथ में, इस सारे चीजों पे उसको सर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। और साथ में बहुत सारे पुरोहित जो थे उन्होंने मतलब बहुत सारी अपवाहें भी फैलाई धर्मांतरण को लेकर, इसके वजह से भी मतलब क्या थी, मतलब सिपाहियों में असंतोष था। एक एक्ट पारित किया गया, उस एक्ट का नाम था जनरल सर्विस, ठीक है, एनलिस्टमेंट, ठीक है, एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है, इस एक्ट का नाम था। इस एक्ट में क्या था, तो इस एक्ट के अनुसार बंगाल की सेना के सभी भावी सिपाहियों के वचन देना था, मतलब जो भी नौकरी करने जाता सेना में, से आपको सरकार की जरूरत के अनुसार उन्हें सेवा के लिए कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है। अब बंगाल के सेना जी में जो काम करने वाले लोग थे उसको बंगाल में ही काम करे, भारत में कहीं भी काम करने के लिए भेजा जा सकता था, और हो जाए तो आपको बाहर से भारत भी भेजा, भारत से बाहर भी आपको भेजा जा सकता था। अब इसमें जो दिक्कत था इस एक्ट में क्या था, मतलब भारत के जो सैनिक को जो बाहर भेजने की, जब भेजा जाने लगा ना, तो बाहर जाने के लिए को समुद्र को पार करके जाना पड़ता था। अब भारत के जो मतलब जो धर्मग्रंथ पढ़ेंगे, ठीक है, भारत का जो धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे या फिर चाइना का भी धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, तो वहां पे समुद्र को पाप करना, ठीक है, ऐसा समझा जाता है, मतलब धर्म के खिलाफ मतलब माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा माना जी जाता है सर मतलब जो समुद्र का पार जो कर लिया उसके धर्म क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये लोग जो सिपाही जब भारत से बाहर जब काम करने, जब इनको जबरदस्ती जब भेजे जाने लगा, जब वहां से काम करके जब ये वापस आए, तो इनको समाज के लोगों ने मतलब क्या किया, धुतकार दिया, ठीक है, समाजों में उनको पहला जैसा मतलब क्या था, इनको सम्मान प्राप्त नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से भी सिपाहियों के मन में क्या हुआ, असंतोष का भावना का मतलब क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। तो ये एक्ट का नाम याद रखिएगा, जनरल सर्विस, ठीक है, एनली स्टेटमेंट एक्ट, ठीक है। ब्रिटिश सहकर्मियों की तुलना में असमान प्रासंगिक, और सिंध एवं पंजाब में सेवाओं के दौरान विदेशी सेवा भत्ता देने से अस्वीकृति। तो सबसे पहली बात, सैलरी का बहुत अधिक अंतर था, जो ब्रिटिश सैनिक जो थे जो इन्हीं के साथ भर्ती होते थे तो समय के साथ उनकी पदोन्नति हो जाती थी। जैसे समझिए सेना में दो सैनिक, पहले तो ब्रिटिश कोई भी व्यक्ति मामूली सैनिक के तौर पे भर्ती होता ही नहीं था, जो भी होता था ऑफिसर रैंक का ही आता था, ठीक है, और उनका मतलब काफी ऊंचा पद पे चला जाता था, लेकिन भारतीय जो थे बेचारे सैनिक से ज्यादा, जमादार से ज्यादा बन नहीं पाते थे, ठीक है। और उसके बाद इनका सैलरी भी जो था उनके कंपेरिजन में क्या था, कम रखा गया था, मेहनत बहुत था। कम जब था ये जी। बाहर में जब काम करने के लिए जब भेजा जाता था, जैसे पंजाब और सिंध में जब ये काम करने गए, तो ये अपने धरती से जब बाहर जब गए तो इनको मतलब क्या देना चाहिए, ठीक है, इनको मतलब एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए, भत्ता देना चाहिए, जी मिलना चाहिए सर ना, लेकिन नहीं दिया गया उनको, सेम सैलरी पे ही उनको उनके जो निवास स्थान से मतलब बाहर मतलब काम कराया गया। इस बात से भी उनके अंदर काफी अधिक नाराजगी थी। इन्हीं सारे रीजनों को देखते हुए, ठीक है, विद्रोह का प्रारंभ होता है। अब विद्रोह का प्रारंभ की बात करेंगे तो टॉपिक को आप लोग क्या कीजिएगा, मार्क इसको कीजिएगा, 29 मार्च 1857, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। कितने तारीख को, सबको समझ में आ रही है, कोई 29 मार्च 1857 दिक्कत है समझने में? जी सर नहीं और सर ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा तो मैं पेड ग्रुप में इसको सारे को एक्सप्लेन करके और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, नोट्स वगैरह भी आपको, रिटेन नोट्स वगैरह भी सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखें 29 मार्च 1857 को क्या होता है, बैरकपुर, बैरकपुर कहां पड़ता है, बैरकपुर कहां पड़ता है, बैरकपुर बंगाल किसी में आदमी को नहीं पता है, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में बैरकपुर पड़ता है, ठीक है। तो बैरकपुर में 34वें नेटिव इन्फेंट्री की परेड के दौरान मंगल पांडे ने, ठीक है, हुईसन और बाघ की हत्या कर दी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था, मंगल पांडे के द्वारा, मंगल पांडे ने जब मतलब बंदूक चलाने से मतलब इनकार कर दिया, उसके बाद जब अधिकारियों ने जब मतलब क्या उनके ऊपर ज्यादती जब करने लगे तो उन दोनों अधिकारी की हत्या कर दी थी। दोनों अधिकारी का नाम क्या था, हुईसन और बाघ, क्या नाम था उसका, हुईसन और बाघ नाम याद रखें, क्या और नाम याद रखेंगे, बिल्कुल हुईसन और बाघ का नाम हमेशा आपको क्या रखना है, याद करना, मंगल पांडे के द्वारा इनकी हत्या मतलब हत्या कर दी गई, ठीक है। तो ये मार की घटना थी, जी कितने मार की थी, 29 मार्च 1857 की घटना थी, सर ठीक है। अब यहां से क्रांति का बिगुल बट गया, लेकिन शुरुआत की बात करेंगे ना, अगर पूछेगा शुरुआत कब हुई, तो 29 मार्च नहीं लीजिएगा, वो होगा 10 मई, ठीक है, जी 10 मई सर मेरठ में मतलब जो मेरे से सैन्य बगावट की मतलब शुरुआत हुई, 1857 की विद्रोह यहीं से मतलब मेरठ से ही मानी जाती है, ठीक है। ये 10 मई 1857 के मेरठ में सैन्य सर बगावत की शुरुआत यहां से हुई थी, लेकिन बिगुल की बात करेंगे तो सर यहीं से आपकी बिगुल, वहां पे 20वीं इन्फेंट्री रही थी ना बटालियन। वो सारा सारा आपका ओके आ जाएगा, टोटल कवर आ जाएगा, 2-3 बटालियन का नाम मैं बताऊंगा, हाँ वहां पे 20 थी, ठीक है, सर ध्यान रखिए। ओके सर अब यहाँ पे देखेंगे क्या था, तो यहाँ पे 10 मई 1857 के मेरठ में सैन्य बगावत की मतलब क्या होती है, शुरुआत होती है। अब यहाँ पे 10 मई की बातें चल रही थी, तो पहले तो आपको 23 अप्रैल करना था,
जैसे यहाँ पे कब 29 मार्च की घटना घटी, उसके बाद 23 अप्रैल को आएंगे। 23 अप्रैल को क्या होता है, तो तीसरी लाइट कैलेवरी के 80 सिपाहियों के द्वारा कारतूसों का प्रयोग करने से मना करने पे उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। और कोर्ट मार्शल बहुत ही अपमानित तरीके से सैन्य अधिकारी को जब सेना से निकाला जाता है तो उसको कोर्ट मार्शल करते हैं। तो तीसरी लाइट कैलेवरी, ठीक है, मतलब घुड़सवार होता है कैलेवरी का मतलब, कि 80 सिपाहियों के द्वारा कारतूसों का प्रयोग करने से मना करने पे इनका क्या कर दिया गया, तो इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ठीक है, आप चलेंगे 10 मई 1857 को मेरठ में मतलब सैन्य की मतलब शुरुआत होती है। अब 11 मई को क्या होता, मेरठ से दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं, ठीक है, आई थिंक 100 किलोमीटर के अंदर में ही होगा, मेरठ से कुछ सिपाही का दल मतलब चलता है। इनका उद्देश्य कहाँ पे रहता है, दिल्ली पहुंचना। इनका उद्देश्य कहाँ पे रहता है, दिल्ली पहुंचना, क्योंकि सत्ता का केंद्र अभी तक कहाँ है, दिल्ली ही है। ठीक है, तो इनका उद्देश्य 11 मई 1857 को सिपाहियों का एक जट्ठा दिल्ली पहुंचा। अब 82 साल के बहादुर शाह जफर को, ठीक है, सहसा हिंदुस्तान मतलब भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। ठीक है, किनके द्वारा, विद्रोहियों के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये बहादुर शाह जफर जो थे बेचारे काफी बूढ़े हो चुके थे, और ये कभी अपना बहुत दिनों से अपना मतलब दरबार भी नहीं लगाया था, लेकिन बाद में जब इनको जब बादशाह जब घोषित किया जाता है तो ये मतलब क्या करते हैं, अपने आर्मी इन चीफ को बुलाते हैं। और आर्मी इन चीफ कौन होता है, इनका बख्त खान, नाम भी पूछा जाता है कौन था इनका आर्मी इन चीफ क्या था, तो आर्मी इन चीफ की बात करेंगे तो इनका आर्मी इन चीफ के नाम क्या था, बख्त खान था। बख्त खान को बोलता है भाई देख लो, बख्त खान बेचारा जो था ये तो कुछ कर नहीं पाते, वही मतलब आर्मी का मतलब क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में कौन साबित हुआ, तो डेट वॉज बहादुर शाह जफर सेकेंड। ठीक है, ये सबसे कमजोर कड़ी साबित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि उम्र काफी हो गई रहती है, लेकिन इनको इनको मतलब बादशाह बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, प्रतीकात्मक स्वरूप के रूप में। ठीक है, अगर मान लीजिए गांव में अगर टोला मोहल्ला में किसी व्यक्ति को अगर मुखिया के रूप में चयनित करना, 100 आदमी के रूप में, आपके नाम के पीछे 10 आदमी विरोध करने वाला हो जाएगा, आपके नाम के आपके विरोध में कई आदमी आपके उम्र पे खड़ा हो जाएगा, अगर वो बन सकता तो हम क्यों नहीं बनेंगे, हमारी उम्र उनकी उम्र तो एक जैसी है। लेकिन उसी में आपके किसी समाज के किसी बूढ़े व्यक्ति को बनाएंगे तो पता चलेगा उसके एज का तो सब निकल चुका है, उतना किसी का एक्सपीरियंस भी नहीं है, सब लोग उनके नाम के खिलाफ विरोध नहीं करेंगे। तो जस्ट एग्जाम प्रतीकात्मक प्रतीक के स्वरूप मतलब बहादुर शाह जफर को मतलब क्या चुना गया, तो यहाँ पे बादशाह चुना गया। ठीक है, मतलब कोई काम के नहीं थे लेकिन प्रतीक के स्वरूप चुना गया। जैसा आप एक बार एक एग्जाम्पल, सिंपल सा छोटा एग्जाम्पल बताऊंगा, तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को, ठीक है, उनके सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष चुना गया, उनके नाम के लिए कौन विरोध करेगा, कोई नहीं करेगा, तो वही एक रीजन था, प्रतीक के स्वरूप इनको चुना गया। ठीक है, और भी क्या था, अब चलेंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बनता है, जिसे बहुत सारा प्रश्न बनता है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या होगा, ठीक है, विद्रोह का प्रसार किस तरीके से और कैसे विद्रोह फैलता है, शामिल नेता कौन कौन थे, और अंग्रेज का दमन करता, अंग्रेजों और अंग्रेज दमन करता कौन थे। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली चलते हैं, कहाँ चलेंगे, सबसे पहले दिल्ली चलेंगे। अब मेंस का अगर आंसर कौन सा लिखे जाएगा, आप दिल्ली का नक्शा बना देंगे, बरेली का नक्शा बना देंगे, तो सुनिए कितना अच्छा आपको नंबर मिलेगा, लेकिन कोई वो नहीं करता है, क्योंकि मेरा जो भी क्लास रहेगा ना, देखिए यहाँ पे भारत का पूरा नक्शा बनाया हुआ है। ठीक है, अगर डायग्राम अगर बनाएंगे आप लोग मेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं मेन्स पीटी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भारत का नक्शा बनाएंगे, आप सेंटर को दिखाएंगे, से भाई साहब यहाँ पे कानपुर है, फिर यहाँ पे डायग्राम बना के कानपुर का सारा डिटेल्स लिखेंगे, बरेली का सारा डिटेल्स लिखेंगे, तो एग्जामिनर देख के एकदम फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, आपको भर भर के नंबर देगा। मान लीजिए प्रश्न अगर 38 नंबर में आता है तो इस तरीके से अगर लिख देंगे, ठीक है, विद्रोही का प्रसार, शामिल नेता अंग्रेजों का दमन करता, भारत का नक्शा बना के पॉइंट आउट करके आप लिखेंगे, जैसे दिल्ली भाई साहब यहाँ पे, हम बरेली यहाँ पे, फैजाबाद यहाँ पे है, तो सोचिए कितना नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जी चलिए अब सर हम आते हैं नेता के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली चलेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे दिल्ली के नेता जो थे बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान। ठीक है, लेकिन सैन्य नेतृत्व पूछ देता था किनके पास था, वक्त खा तात्या टोपे अच्छा विदेश वहां का बोल रहे हैं, तात्या टोपे, निकलसन था नहीं नहीं हाँ सही, बख्त खान सही था। दिल्ली में भारतीय बात करेंगे, भारतीय नेता में अगर बात करेंगे तो वक्त बख्त खान के साथ क्या था, तो यहाँ पे क्या कानपुर था में इनके थे पास, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कौन था, दमनकर्ता में बात करेंगे तो ऑकडेल निकलसन और विल्सन, हडसन, निकलसन और सर जॉन लॉरेंस था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निकलसन मारा इसमें गया, से इसमें निकलसन की हत्या कर दी निकलसन जाती मारा है। गया था निकलसन की फांसी क्या होती है, तो निकलसन की मतलब क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। निकलसन की हत्या क्या हो जाती है, तो निकलसन की मतलब है क्या होती है, हत्या हो जाती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे नोट, सत्य। बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे अपनी प्रिय रानी जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता था, अंग्रेजों के साथ कौन मिली हुई थी, तो अंग्रेजों के साथ जीनत महल मिली हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं, सब अपने पति के साथ विश्वासघात कर रही थी। ठीक है, अंग्रेजों के साथ इसने एक संधि की सर थी,
से सर बहादुर शाह जफर को हुमायूं के जो मकबरा है उसके सामने हम आ नहुशन रहे हैं, पकड़ कर अंगूर अरे बोला हम था। आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। आपको और भी कुछ कहानी सुनाएंगे जो आप नहीं सुने हुए, मैं यस बता रहा सर, हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जीनत महल जो थी अपने पति के लिए ही मतलब क्या कर देती है, अंग्रेजों से मिली रहती है। बोला जाता है मेरे पति को मतलब बंदी ना बनाया जाए, बहुत सारे कंडीशन अपने पति के फेवर में, ठीक है, मिली रहती है, लेकिन अंग्रेजों से मिली रहती है, ठीक है। 7 नवंबर 1862 को मतलब रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनको 87 मतलब जो हुमायूं ईयर्स के के रहते हैं कब्र के, उस टाइम हाँ सर ये। बिल्कुल हाँ जोड़ लीजिए ना, और 57 में ये 5 सर जोड़ ये लीजिए, ना इनको, 57 के हाँ समय कितना हो जाएंगे, 82 साल के थे तो 87 में मृत्यु होती है, तो 5 साल यहाँ पे, सॉरी सतास और अब 82 में इनको 5 साल जोड़ मैकेंजी लीजिए। नामक जहाज से भेजा गया था सर, उसमें शाही परिवार के लोग 35 लोग थे। मैकेंजी नामक अच्छा जहाज से भेजा गया था रंगून। चलिए ठीक है, तो इनकी हत्या, सॉरी इनकी हत्या नहीं, इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको हुमायूं के कब्र के पास से इनको गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है ध्यान रखेंगे। और ये बहुत अच्छे शायर भी थे, ठीक है ध्यान, इनके समय मतलब एक शायर भी था जिसने मतलब 1857 के आंखों का मतलब 1857 के विद्रोह का आंखों देखा हाल देखा, तो उसका नाम क्या था, मिर्जा गालिब, बिल्कुल मिर्जा गालिब, जो कि इन्हीं के दरबार में मतलब रहते थे, ठीक है ध्यान में, ये भी बहुत अच्छे शायर थे, ठीक है ध्यान में रखेंगे। और इनके तीनों तीनों छोटे पुत्र को दिल्ली के खूनी दरवाजे में जनता के सामने गोली मार दी गई, अभी भी वो खूनी दरवाजा है, जी खूनी सर, दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, अभी भी आप जाएंगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बरेली, आते हैं बरेली का नेता जो थे कौन थे, खान बहादुर खान थे, कौन खान थे, बहादुर, खान बहादुर खान थे बरेली के नेता। खान बहादुर फैजाबाद में आएंगे तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है मौलवी अहमदुल्ला जो था अंग्रेजों के सबसे बड़े मतलब क्या थे, शत्रु थे, इनके ऊपर सबसे बड़ा इसके मतलब पचास इनाम भी हजार का रखा गया था, इनाम ठीक है था, बिल्कुल पचास ठीक हजार है। का और ये मतलब एक विद्रोह में, ठीक है एक विद्रोह में मतलब क्या कह गए, मार दिए मतलब। गए, ये भी ठीक है मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर से आएंगे, कानपुर बहुत बड़ा सेंटर था, नेता की बात करेंगे ना ना सर, नाना साहब थे, लेकिन सैन्य नेतृत्व की बात करेंगे तात्या टोपे के तात्या पास था, ठीक है टोपे, तात्या टोपे का मूल जी नाम सर, पूछता है तो ध्यान में रखिएगा, आत्माराम रामचंद्र पांडुरंग उनका पांडु, मूल नाम, हाँ रामचंद्र पांडु। रामचंद्र पांडुरंग उनका मूल नाम था, ठीक है 18 अप्रैल ना, 1869 को उनको फांसी दिया गया था शिवपुरी में। बिल्कुल है, नाना साहब के बारे में पता नहीं चला से कहाँ गया, कोई कहते नेपाल भाग दिए, कोई कहते मतलब फांसी दे दिया गया, लेकिन इनके बारे में एक्चुअली नहीं पता है से क्या नेपाल, हुआ एक्चुअली के साथ इनके, ठीक है चलिए। बाद में जब नेपाल चले गए, दमनकर्ता कौन था, व्हीलर था, सर कॉर्निल कैंपबेल था, अगर पूछा जाएगा सारे दमनकर्ताओं में ठीक है सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, कैंपबेल का नाम याद रखिएगा, कैंपबेल की भूमिका बहुत ही ज्यादा मतलब 1857 के विद्रोह में रही थी। जगदीशपुर आते हैं, बिहार की घटना है कैसे भूल सकते हैं, तो कुंवर सिंह, कुंवर सिंह के बाद उनके भाई जो थे अमर सिंह, और इनके चार अमर बेटे, सिंह कुंवर सिंह के चार भतीजे भी थे, ठीक है सब में सिंह सिंह जी लगा हो, सर, जोरावर सिंह क्या क्या है, उन सभी ने मतलब क्या किया था, नेतृत्व किया था। दमनकर्ता की बात कर, दमनकर्ता के बाद विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो थे, जो कि मतलब क्या थे दमनकर्ता थे ध्यान में रखेंगे। कुंवर सिंह के घायल हो गया, 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई, तारीख इंपोर्टेंट है, बिहार के एग्जाम आप देने जाएंगे तो सीधा सीधा जी इस सर, तारीख को मतलब पूछ दिया जाता है, कौन सा 26 अप्रैल 1858, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है चलिए। अब हम आते हैं लखनऊ, आते हैं लखनऊ नवाबों की सर पटना शहर, वाले ठीक पी है अली, सर हाँ पटना नेता की वाले बात पी करेंगे, अली, पीर अली पुस्तक विक्रेता था, उसने मतलब विद्रोह की शुरुआत की थी, वो लीडर नहीं था, ठीक है उनको शुरुआती दौर में ही उनकी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पुस्तक विक्रेता पीर अली ने विद्रोह की शुरुआत की थी, लेकिन बिहार से नेता की बात ओके सर, करेंगे जी तो यही होंगे, ठीक है चलिए। नेता सर, की बात कर लखनऊ से, बेगम हजरत महल, लेकिन इनके द्वारा इनके पुत्र जो था जिनका नाम था बिजरिस कादिर, क्या नाम था पुत्र का, बिजरिस कादिर, ठीक जी है तो कहीं कहीं पे बिजरिस कादिर को भी नेता दिया रहता है, क्योंकि यहाँ पे वाजिद अली शाह के बाद इसी को मतलब राजा बना दिया गया था, ठीक है तो बेगम हजरत महल की मतलब क्या थी, तो मतलब पुत्र था बिजरिस कादिर, ठीक है ध्यान रखें। बेगम हजरत महल मुख्यतः नेपाल की रहने वाली एक नर्तकी थी, जिनसे मतलब इनको मतलब प्रेम हो गया था, बाद में दोनों ने विवाह किया था, ठीक है वाजिद अली शाह। दमनकर्ता में लॉरेंस बेगम साहब हो जाएंगे, हाँ हजरत महल, बेगम तो हजरत महल बेगम नेपाल के ही हजरत थे, महल का वहीं पे ना काठमांडू में ने समाधि है सर, हाँ तो चली काठमांडू में गई थी उनका वहीं से समाधि है। आती भी थी, वहीं से आती भी थी या बाद में वहीं पे चली भी गई, ये नृत्यांगिया थी, ठीक है। दमनकर्ता हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश हैवलॉक भी था, जेम्स आउट्रम और कॉलिन कैंपबेल, ठीक है आउट्रम का नाम इंपोर्टेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि इसी ने मतलब एक रिपोर्ट बनाई थी जिसके आधार पे अवध का अधिग्रहण 1856 में किया गया था, उस रिपोर्ट को आउट्रम रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, किस रिपोर्ट के नाम से, आउट्रम रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, आउटकम ठीक है रिपोर्ट ध्यान के में रखेंगे। नाम आउट्रम जो था वहां पे रेजिडेंट था, कौन था रेजिडेंट, है रेजिडेंट क्या होता जाता था, तो जिस भी राज्य से संधि हो जाती थी, सहायक संधि हो जाती थी, वहां पे एक ब्रिटिश अधिकारी को रख दिया जाता था, क्योंकि सारे चीज उसके मर्जी से चलती थी, तो वहां पे सबसे पहले
ब्रिटिश अधिकारी जो था आउट्रम जो था, जो कि वहां पे रेजिडेंट था, आउट्रम जब वहां से हटता है तो वहां पे रेजिडेंट बना के कैंपबेल को भेजा जाता है, ठीक है। यही कैंपबेल है जिसने खोंड जनजाति में एक प्रथा जो विद्वान थी, नरबलि की प्रथा, तो इसको समाप्त करने के लिए किसको अठारह सौ भेजा जाता है, तैतालीस में कैंपबेल को भेजा जाता है, ठीक है। हाँ, 1843 में। तो सही कैंपबेल का नाम बार बार आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन अधिकारी था, इनकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है 1857 के विद्रोह में, ठीक है। बेगम हजरत महल नेपाल में पलायन कर गई, उनके बाद इसका क्या हुआ नहीं पता चला उनके बाद, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये सब हो गया ना। आपने कविता पढ़ी होगी, पढ़ी है ना कविता, बुंदलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी सर। थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किनकी कविता है ये? झांसी हाँ, तो की रानी झांसी की रानी सर, नाम लिखा किसने है? झांसी की रानी थोड़ी ना लिखी है, किसने अच्छा लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने लिखा सर, है? वृंदावन सुभद्रा वर्णम ना कुमारी चौहान। सर, नहीं, सुभद्रा वृंदावन। कुमारी चौहान अच्छा, झांसी की रानी पूछते। छठा क्लास में कविता आपको देखने को मिलता था, सुभद्रा कुमारी चौहान, छह पढ़े पेज की हैं कविता मतलब थी। याद है हाँ, ठीक है। हम लोगों ने बहुत मार खा खा के इस कविता को याद करके, क्योंकि पहले का टीचर का एक उद्देश्य क्या होता था, बच्चों को कविता याद करवा देना, ठीक है, जी उनको याद सर। होना चाहिए, ठीक है। और घर में अभी बच्चों को बोला जाता है उनको सुनाने के लिए, लेकिन उस समय घर के जो बाहर के कोई भी लोग आते थे तो बोलता था कविता सुनाओ, ठीक है, आपको एक किताब जी कविता सर, एक याद होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे कि हिंदी का कविता और एक इंग्लिश का कविता याद कर लेते थे। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, झांसी की बात करेंगे बिल्कुल तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से लीडर थी, भारतीय नेता, दमनकर्ता में सर हुरोज जो थे यहाँ पे क्या थे, दमनकर्ता थे, नाना साहब के करीबी थी, तात्या तोपे कानपुर में हार के बाद रानी का साथ दिया था, ठीक है। तो बात करेंगे, ये झांसी में इनका मतलब विवाह हुआ था, ध्यान में रखिएगा, झांसी के मतलब शासक से इनका विवाह हुआ था। रहने वाली जो थे मुख्य थी, कहाँ की रहने वाली थी, बनारस की रहने वाली थी, मणिकर्णिका नाम था इनका मुख्य नाम से, बनारस में अभी भी इनके नाम पे आपको घाट दिख जाएगा। लेकिन इनकी जो मृत्यु जो सर। होती है, मृत्यु कहाँ पे होती है, ग्वालियर में होती है। कहाँ पे होती है? ग्वालियर में इनकी ये ग्वालियर मृत्यु में, होती है। कहाँ पे होती है? ग्वालियर में इनकी जो होती है मृत्यु ग्वालियर होती है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ग्वालियर में इनकी मृत्यु होती है। सारे फैक्ट मैंने बता दिया, ठीक है। नाना साहब के करीबी मानी जाती है, ठीक है। तात्या टोपे, तात्या कानपुर में हार के बाद रानी का साथ दिया था। लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु की बात करेंगे तो 17 जून 1858 में ग्वालियर के युद्ध के दौरान हो गई, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे धोखा किया जाता है, क्योंकि सिंधिया ने मतलब क्या क्या पूछेगा ना, किसने धोखा किया, किस राजवंश ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, इनका तो सिंधिया ग्वालियर जैसे के राजवंशों ने सिंधिया। ब्रिटिश मतलब सपोर्ट किया था। अब बोला जाता है अगर सिंधिया ने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो ब्रिटिश को मतलब उसी साल मतलब झोला लेके मतलब जाना पड़ता, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखेंगे कि सिंधिया के सपोर्ट के बाद अगर सिंधिया ने भी विरोध कर दिया होता तो बड़ा मतलब चीजें मतलब बदल सकती थी, ठीक है। तात्या टोपे जी को मतलब एक मित्र के धोखा के वजह से इनको निंद के समय में अगवा कर लिया गया, ठीक है। 1859 को उनको मतलब मृत्यु दंड दे दिया गया, 15 अप्रैल 1859 को, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान, मित्र का धोखा दिया गया था, मित्र का नाम क्या था सामंत याद है क्या मानसी, नाम? हाँ मानसिंह। हाँ मानसी था बिल्कुल, सर, मानसिंह नाम था, मानसी बिल्कुल ठीक है, जमींदार था वह। जी सर, सामंत ध्यान में रखेंगे। हाँ, सामंत यूरोपीय कॉन्सेप्ट है, सामंत जमींदार को ही बोला जाता है, यूरोप में बोलते सामंत, ठीक है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा डिटेल्स में, आपको चीजों को कराएंगे तो जरा ध्यान से रखिएगा। सर। यूरोज स्टेटमेंट कुछ दिया था ना रानी के लिए लक्ष्मीबाई के बारे में, हाँ, वो उसे ये वीरता से स्टेटमेंट किसको नहीं पता प्रभावित तो होगा, कहा था, उसने वो कहा अकेली था से मर्द मतलब। थी, सॉरी सर, अकेली हाँ मर्द, बता दें, ये सब किसको अकेली नहीं पता मर्द होगा। मैं वैसे चीजों को यहाँ पे जो भी लोग है काफी मतलब अब ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके थे, हम ऐसे टॉपिक पे बात करना ओके चाहते हैं जो कि लगभग थोड़ा सा मतलब वो है, ठीक है। तो उसने कहा सर, था से मतलब ओके सर, बहुत सारे मतलब लड़नों वाले में मतलब वो क्या अकेले मतलब थी, मर्द थी, ठीक है, ध्यान में ठीक है रखेंगे। सर, जी सर। अब अन्य नेता की बात करें, लियाकत अली साहब जो इलाहाबाद से आते थे, अजीमुल्ला खान की बात करेंगे फतेहपुर से आते थे, देवी सिंह की जी बात सर, करेंगे मथुरा से आते थे, कदम सिंह की बात करें मेरठ से आते थे, सहमल साहब की बात करेंगे मेरठ बागपत से आते थे, ठीक है। ध्यान में, कहाँ से आते थे ये सारे के सारे नेता थे, इसको ध्यान में रखेगा। दो तीन नया मिला, देवी सिंह, हाँ एक और का नाम याद रखिए, ठीक है, यहाँ से असम से आते थे, कहाँ से आते थे, जिनका नाम था दीवान मणिराम, दीवान दीवान मणि मणिराम, राम दत्त, क्या नाम था, दीवान मणिराम मणि राम दत्त, मणिराम ठीक है, मणि राम दत्त, ठीक है, असम से आते थे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कदम सिंह मेरठ से, सहमल साहब बागपत से, देवी सिंह मथुरा से आते थे। अब चलेंगे यहाँ पे, आप नोट कुछ मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। 1857 के अंत तक, ठीक है, भारत में ब्रिटिश आधिपत्य पूरी तरह से पुनः स्थापित हो गया, सॉरी 1859 के अंत तक, 1859 के अंत तक देखेंगे भारत में ब्रिटिश सत्ता जो थी पूरी तरीके से फिर से मतलब
स्थापित कर, ये भी पूछा स्थापित जाता है हो कि चुका। कब, मतलब कब स्थापित कर लिया गया, 1857 के अंत में, 1858 के अंत में, तो 1859 के अंत में, ठीक है। 1859 जी तक सर। आते आते चीजें मतलब नॉर्मलाइज कर ली जाती है, ठीक है। अंग्रेजों ने प्रिजनर्स प्रिजनर्स नीति को अपनाया, प्रिजनर्स समझते हैं ना, बंदी, ठीक है, जिसका अर्थ यह था कि विद्रोहियों को जेल में कैद के रूप में मार दिया जाएगा। अंग्रेजों ने इस प्रतिरोध को, ठीक है, डेविल्स विंड कहा, ठीक है, डेविल्स विंड कहा। ध्यान रखें, डेविल्स विंड शब्द है जिसमें रखा गया, जो प्रिजनर्स जो है, जो बंदी जो है, उनका हत्या कर दी जाएगी कि उन्होंने विद्रोह किया, और लगभग सबको फांसी के ऊपर लटका ही दिया। आप देखेंगे कानपुर में जाएंगे तो गंगा नदी के तट पे विद्रोही क्या किया गया, लटका दिया गया। इससे मतलब एक एग्जाम्पल सेट किया गया, क्या किया गया, एक एग्जाम्पल सेट किया गया। 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक कॉल ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल सेट किया गया ताकि मतलब कोई लोग मतलब क्या करे, विरोध मतलब ना करे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए गंगा नदी के तट पे अभी भी मतलब वहां पे थोड़ा सा मतलब कानपुर में आप जाएंगे तो वहां पे मतलब लोगों की, 1 मिनट, एक मिनट रुकिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे आ गया, ठीक है। इसको डेविल्स विंड कहा गया। बहुत सारे विद्रोहियों को तोपों के मुंह पर बांध के उड़ा दिया, कभी कभी विद्रोह कर रहे हैं तो बहुत सारे विद्रोहियों को तोपों के मुंह पर बांध करके उड़ा दिया गया, विद्रोह कर रहे सारे गांव का, ठीक है, नाश ही मतलब कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब क्या किया, का मतलब नाश कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे चीजें की थी। अब यहाँ पे देखेंगे विद्रोह का मतलब क्या था, विद्रोह का मतलब असर क्या था, एक मिनट, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या विद्रोह के विफल होने का क्या राजन था। तो अखिल भारतीय सहभागिता का अभाव, ठीक है। अखिल भारतीय क्या होता है, मतलब व्यापक स्तर पर संपूर्ण देश के लोगों ने एक साथ मतलब विद्रोह नहीं किया, ठीक है, इसलिए अखिल जी भारतीय सर। सहभागिता का अभाव था। बहुत सारे लोग जो थे इससे अलग भी रहे, जैसे जमींदार वर्ग इससे अलग रहे, कृषक वर्ग इससे अलग रहे, बड़े लोगों ने मतलब इसे दूरी बना के रखी, ठीक है। राजे महाराजे लोग, बहुत सारे लोगों को मतलब सपोर्ट नहीं मिला, वो न्यूट्रल भी नहीं रहे, ब्रिटिश को मतलब बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए अखिल भारत आपको क्या अभाव देखने को मिला। चलिए आगे देखेंगे आगे क्या था यहाँ पे। हाँ, दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन की बात करेंगे तो दूसरा रीजन समाज के सभी वर्गों का सहयोग का अभाव था, ठीक है। किस किस वर्गों ने समाज में मतलब योगदान नहीं दिया था, सबसे पहले देखेंगे पढ़े लिखे भारतीयों, साहूकार, तालुकदार और व्यापारियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, ठीक है। मतलब किस किस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो पढ़े लिखे भारतीयों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, साहूकार ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तालुकदार ने पार्टिसिपेट नहीं किया, व्यापारियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। जी साथ में बहुत सारे भारतीय राजाओं ने भी इनमें से भाग लेने से मना कर दिया। उदाहरण के लिए ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, इन लोगों ने मतलब क्या किया, भारतीय विद्रोहियों का मतलब इन्होंने मतलब क्या किया, सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, ध्यान में सर। रखेंगे। तो इस वजह से आपका क्या था, इस वजह से भी आपका विद्रोह जो था असफल होने की मतलब बहुत अधिक मतलब चांसेस जो थे बढ़ गए। पूछा जाता है 1857 के विद्रोह से
किस वर्ग के लोगों ने अपनी दूरी बनाकर रखी? ठीक है, तो पढ़े लिखे भारतीय, शाहूकार वर्ग, तालुकदार वर्ग, ठीक है, व्यापारी वर्ग, ये लोगों को मतलब ब्रिटिश सत्ता जाने से इन लोगों का नुकसान था। आप बोलेंगे भारत के जो राजा जो थे वो कभी भी नहीं चाहते थे ब्रिटिश सत्ता चली जाए। ब्रिटिश सत्ता चले जाने पर क्या होगा देश में, मतलब लोकतंत्र आएगी, लोकतंत्र आने के बाद सरकार उनकी सारी चीजों को हथिया लेगी। उसके बाद भी आप देखोगे देश जब आजाद होता है तो क्या होता है, 500+ देशी रियासतों को मिला दिया जाता है ना भारतीय संघ में, उनकी राजे जी बला, उनका सर, राजा का पद भी, ये सब तो चला तो जाता है। प्रिवी पर्स देने की घोषणा होती है, लेकिन 1971 में उनसे प्रिवी पर्स तो छीन भी तो लिया जाता है। तो इन सबको डर था, तो ये लोग हमेशा चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार मतलब बनी रहे। जो ये लोग जमींदार वर्ग जो कभी भी नहीं चाहते ब्रिटिश सरकार जाए, क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटिश सरकार गई तो भारत की जो सरकार आएगी, गांधी और नेहरू की सरकार आएगी, समाजवादी सरकार आएगी, या सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा उन्हीं का होने वाला, उनके पास जमीन बहुत अधिक है, सरकार उनके जमीन को लेके क्या करेगी, गरीबों में मतलब बांट देगी। और वही होता भी है। समन्वय के अभाव में कमजोर नेतृत्व, अब समन्वय काफी अधिक कमजोर पड़े, मुख्य नेता के तौर पे तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई अपने अंग्रेज विरोधियों जैसे लॉरेंस बंधु, जॉन निकोलसन आदि के रण कौशल की तुलना में उतने निपुण नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल, वो लोग मतलब प्रशिक्षित थे, ये लोग प्रशिक्षित थोड़ी ना थे, टाटा टोपे ने जाके कहीं पे सैन्य नेतृत्व थोड़ी ना लिया था। ठीक है, ये जी लोग तो सर, मतलब इनके वंशागुणत तरीके से जो ब्लड में जो चला आ रहा था, वॉरियर फैमिली से थे, वही इनके अंदर गुण था। दे आर नॉट वेल ट्रेन, जबकि ये लोग क्या थे, यूरोपियन रण कौशल में मतलब ट्रेन थे, आधुनिक हथियार का प्रयोग ये लोग करना जानते थे। ठीक है, ये लोग वेल ट्रेन थे, लेकिन ये लोग ट्रेन नहीं थे। ठीक है, जी भारतीय सर, सैनिकों के पास पुराने हथियार थे, अभी भी हम लोग क्या तीर से, भाला से, वर्षा से लड़ रहे थे, जबकि इन लोगों ने मतलब क्या, उनके पास गोलियां थी, बंदूकें थी। वो ठीक है, था दूसरी ओर ब्रिटिश सैनिक प्रशिक्षित थे, दे आर वेल ट्रेन्ड, और उनके पास नया राइफल था, गया था एनफील्ड राइफल था, और उनके पास सूचना को पहुंचाने का सबसे बड़ा रीजन था विद्युत टेलीग्राफ। विद्युत टेलीग्राफ सबसे बड़ा रीजन था, एक जगह विद्युत होती थी वहां पर अगर सैनिक अगर कम पड़ता तो टेलीग्राफ के माध्यम से सूचना तुरंत मतलब दे दी जाती थी, जिनसे मतलब क्या होता था, सैनिक मतलब क्या होते थे, उनको मदद करने के लिए आ जाते थे। ठीक है, तो ये सारे रीजन था जो कि किसको जी हेल्प किया, ध्यान में रखेंगे किसको हेल्प किया, तो ब्रिटिश सैनिक को मतलब इन सारे रीजन से मतलब मदद मिला। अन्य कारण में देखेंगे तो पंजाब में इस विरोध का उद्भव नहीं हुआ, बहुत ऐसा जगह जो था जो कि मतलब विरोध हुआ ही नहीं, जैसे पंजाब में नहीं हुआ, दक्षिण भारत में विरोध का कोई असर आपको नहीं देखने को मिला, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में असम को छोड़ के और जगह पे आपको विद्रोह आपको नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारे रीजन था, मतलब पूरे तरह से मतलब क्या था, इसका रीजन नहीं बना। दूसरी बात, दो तरह के सैनिकों ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया, ठीक है, एक सिख सैनिक ने या गोरखा सैनिक ने। ठीक है, अब बताऊंगा सिख सैनिक को ब्रिटिश को सपोर्ट करने का क्या रीजन था, उसके बारे में जब हम बात करेंगे। इस कारण इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में तैनात ब्रिटिश सेना का विद्रोह का सामना करने के लिए अन्य जगह पर तैनात कर दिया गया, गोरखा सिपाहियों ने अंग्रेजों का साथ दिया और सिख सैनिकों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। रीजन क्या था, कि 12 गलत हो गया यहाँ पे विद्रोहियों के द्वारा, उन्होंने नेता अपना किसे चुन लिया था, बहादुर शाह जफर सेकेंड को चुन लिया। यही पे मतलब जो अंग्रेजी से अंग्रेज अंग्रेज जो अधिकारी जो थे वो मतलब सिख सैनिक को मतलब भड़काने में मतलब बहुत अधिक उनको सफलता मिल गई। उन्होंने कहा से देखो 1857 के विद्रोह जो हुए, इसमें नेता जो बहादुर शाह जफर सेकेंड को चुना गया, ये उन्हीं का वंशज है जिसने औरंगजेब और मतलब क्या, तो औरंगजेब दबा मतलब किसका, जहांगीर का ही वंशज है जिसने मतलब क्या किया था, तुम्हारे मतलब पूर्वजों को काटने का काम किया था। उसने बहादुर शाह जफर को औरंगजेब से जोड़ दिया, तो किस तरीके से उसने मतलब तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, जहांगीर ने किस तरीके से अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। ठीक है, और इन सबसे बोला गया था अगर ये फिर से अगर सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर ही जुर्म करेंगे। अरे मुगलों का जो मतलब इतिहास जो था अंग्रेजों के साथ बहुत ही मतलब सॉरी सिखों के साथ बहुत अधिक कटुपूर्ण रही थी। ये भाषण जब लाल किला से जब दिया गया, उसके बाद सिख सैनिक जो थे पूरे विद्रोही सैनिक के खिलाफ मतलब भड़क गया, बहुत ही बुरे तरीके से कत्लेआम किया गया विद्रोही सैनिक को। सिख सैनिक ने मूली गाजर की तरह मतलब विद्रोही सैनिक को मतलब काट दिया। ठीक है, और ये घटना दिल्ली की है, जी अब बहुत ही कम समय में दिल्ली को मतलब मुक्त करा लिया गया। ठीक है, क्योंकि दिल्ली क्या था, सेंटर था, तो बहुत ही कम समय में दिल्ली के मुक्त कराया गया। उसके बाद गोरखा सैनिक भी जो थे ये भी बहुत ही लड़ाकू समझे जाते थे, दे आर बहुत ही मतलब वॉरियर क्वालिटी से आते थे, ये भी मतलब क्या था ब्रिटिश शासक के मतलब सपोर्ट में आ गए। तो ये दोनों जो सैनिक के साथ में जाना, ये बहुत बड़ा रीजन था ब्रिटिश को मतलब जीत का मतलब योगदान देकर गया। आप यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे विद्रोह जब हुआ तो उसके निष्कर्ष में देखेंगे तब बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला। भल्ला ही मतलब भल्ला ही अगर बात करेंगे तो भल्ला ही यहाँ पे बात करेंगे तो ब्रिटिश को फाइनली मतलब जीत तो मिली, लेकिन बहुत
लेकिन परंतु के बाद उनको जीत मिलती है। तो जब वो जीत भी जाते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारे चीजों पर मतलब क्या करते हैं, परिवर्तन करके लाएंगे। आप देखोगे क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले भारत में, ठीक है अंग्रेजी 1 मिनट, भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया की जो शासन व्यवस्था जो था, जो यहाँ पे शासन करने की काम जो करती थी, तो उनके शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और एक नया अधिनियम लाया गया जिसको हम लोग किस अधिनियम के नाम से जानते हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1958। अब यहाँ पे क्या किया गया, तो हाँ 1858 सॉरी, महारानी विक्टोरिया का ब्रिटिश भारत की शासक घोषित कर दिया गया। मतलब ब्रिटिश भारत का शासक कौन रहेगी, तो महारानी विक्टोरिया रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या था, तो उसके बाद आप देखोगे भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दे दिया गया। मतलब नया मतलब वही ना, नाम वही, मतलब चीजें वही, बस नाम परिवर्तन कर दिया गया। तो यहाँ पे एक अतिरिक्त उपाधि दी गई, ठीक है ध्यान रखिएगा, वायसराय की थी जो क्राउन का प्रतिनिधित्व करती थी। पहले ये वायसराय जो रूल कर रहा था, ठीक है किसके आधार पर रूल, कंपनी के तरफ से था, ठीक है मतलब कंपनी के प्रशासन को देखता था वायसराय जो गवर्नर यहाँ पे हेड होता था। लेकिन अब वायसराय जो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के तरफ से इसको नियुक्त किया गया, जो कि मतलब एक तरह से क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और भी हुई, ठीक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, जो कि कब आया था, किस एक में था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस एक में था, 1784 सर, बिल्कुल 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा एक्ट था, पिट्स इंडिया सत्रह सौ एक्ट में चौरासी था। इसको मतलब क्या किया गया, इसको मतलब समाप्त कर दिया गया, ठीक है पिट्स इंडिया एक्ट की चीजों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसकी जगह पे क्या नियुक्त किया गया, तो इसकी जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर बोलेंगे भारत सचिव, भारत राज्य सचिव हिंदी में क्या बोलेंगे, भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। ये सच्ची। साहब लंदन में रहते थे, कहाँ पे रहते थे, लंदन में रहते थे। ठीक है, इसके अंदर में 15 सदस्यीय टीम बनाई गई, जो कि मतलब क्या, तो किस तरह की टीम थी, तो 15 सदस्यीय टीम बनाई गई, एडवाइजर टीम थी, क्या थी, एडवाइजर थे, जो कि एडवाइस देने का काम करती थी। लेकिन इनके एडवाइस को मानने के लिए भारत का राज्य सचिव रिस्पॉन्सिबल नहीं था, साथ में गवर्नर वायसराय भी इनको सजेस्ट कर सकते थे, लेकिन दोनों के बीच में जब मतभेद हो जाते, इनकी बातों को अंतिम रूप से मतलब माना जाता था, ये ब्रिटिश कैबिनेट स्तर की दर्जा रखते थे। ठीक है, ब्रिटिश में 2 सभा, ब्रिटेन में जाएंगे 2 सभा, एक वहां पे मिलेगा सीनेट मिलेगा, यहाँ पे एक नीचे में क्या मिलता है, सीनेट है, एक लॉर्ड, सॉरी सीनेट नहीं, सॉरी एक अच्छा लॉर्ड है, हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है सीनेट तो यूएसए में है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है से वहां पे लोकसभा की तरह काम करता है, लोअर हाउस है, निम्न सदन है, और हाउस ऑफ लॉर्ड की बात करेंगे अपर हाउस है, लोकसभा है। ठीक है, तो इसको मतलब एक कैबिनेट स्तर का मतलब इसको दर्जा प्राप्त था। ठीक है, और ये मतलब 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद द्वारा सहयोग दिया जाता था, पूरा हेड यही था, अंतिम निर्णय भारत के रूप में यही होता था, क्योंकि ब्रिटिश को मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का नेतृत्व करता, रिप्रेजेंट करता था। ठीक है ध्यान में रखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे आगे चल के, आप देखेंगे ना मॉन्टेगु चेम्स फोर्ड, ठीक है मार्ले मिंटो, इसमें लॉर्ड मार्ले कौन था, सचिव है, मिंटो का वायसराय हो जाएंगे, मॉन्टेगु की बात करेंगे सचिव हो जाएंगे, चेम्स फोर्ड क्या हो जाएंगे, वायसराय हो गए। तो कोई भी अधिनियम वगैरह आएगा तो दोनों के विचार से आता है। ठीक है, भारतीय सेना का पुनर्गठित किया गया, क्योंकि बहुत सारे भारतीय सेना में विद्रोह हुआ था, तो इसलिए यूरोपीय लोगों का अनुपात अधिक बढ़ाया गया, ठीक है, और भारतीय लोगों का अनुपात को मतलब कम कर दिया गया। ठीक है, सैनिकों का 2 क्रम बता गया, एक को लड़ाकू सैनिक घोषित किया गया, लड़ाकू सैनिक में वैसे सैनिकों को रखा गया जिसने मतलब ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, ठीक है जैसे सिख सैनिक हो गए, गोरखा सैनिक हो गए, इन लोगों ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें यूरोपीय लोगों का अनुपात अधिक था, वो तोपखाने में मैदानी सेना में कार्मिक आवश्यकता के लिए उत्तरदायी थे। अब तोपखाना का एक अधिकार जो था ब्रिटिश सैनिकों के अधीन रखा गया, भारतीयों को तोपखाना के अधिकार को नहीं दिया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट बना के कभी आपसे पूछ सकता है। तो आगे चलेंगे, स्थानीय राजाओं को सहयोगी के रूप में समर्थन प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए। अब इनको लग गया से भारत से, भाई से भारत में अगर शासन करना है तो राजाओं से हम बहुत अधिक मतलब मतभेद नहीं रख सकते, इनका हमें समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो स्थानीय राजाओं से इन्होंने मतलब अच्छे संबंध बनाने की मतलब कोशिश की, या भारत में क्रूरता से विजय पाने की नीति को त्याग दिया। अब इन्होंने सोच लिया इतना बड़ा देश है, इतना क्रूर हो के हम चाहेंगे भी तो यहाँ पे मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब क्रूरता से विजय नहीं पा सकते, इसलिए इन्होंने इस नीति को मतलब क्या किया, त्याग दिया, इन्होंने मतलब स्थानीय समन्वय की नीति अपनाई। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में के क्षेत्रों में भारतीयों की अधिक सहभागिता के साथ प्रशासनिक बदलाव किए गए, और इसको लेकर जो सबसे पहला एक्ट आएगा 1861 के एक्ट आएगा, जिसमें कुछ भारतीयों के मतलब सदन में मतलब क्या चुना जाता है, चुना जाता है ना, तो इन्होंने बोला से भाई साहब भारत में अगर शासन प्रशासन अगर चलाना है तो
तो भारतीय लोगों का मतलब क्या होना चाहिए, सहयोग हमें होना आवश्यक है। इसी के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के क्षेत्रों में भारतीयों की अधिक सहभागिता के साथ प्रशासनिक बदलाव भी किए गए। उसके बाद आप देखोगे विद्रोहियों के दौरान अंग्रेजों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को छोड़कर, मतलब वैसे लोगों को नहीं छोड़ा गया जो कि अंग्रेजों की हत्या किया था, बाकी वैसे लोग जो कि विद्रोह में मतलब शामिल भी थे, उन लोगों को बिना शर्त मतलब क्षमा दान दे दिया गया, मतलब उनको माफ कर दिया गया। लेकिन ये बस कहने के जी लिए थी, ये सारी महारानी विक्टोरिया का घोषणा है। ये कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इस घोषणा को कैंगिंग जैसा गधा पट रहा था, ठीक है। एक दिन के लिए सेंटर भी बना था, इलाहाबाद भी बना था। रीजन क्या था इलाहाबाद को सेंटर बनाने का? क्योंकि इलाहाबाद से जो भी विद्रोही सेंटर मेरठ पास में पड़ता था, दिल्ली पास में पड़ता था, कानपुर पास में पड़ता था, पटना भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो इन सारे को सेंटर कहाँ पे बनाया गया था? इलाहाबाद में बनाया गया। इलाहाबाद में कहाँ बनाया गया था? तो इलाहाबाद में जाएंगे तो वहां पे जाएंगे संगम के किनारे जाएंगे तो वहां पे मिलेगा आपको अकबर का किला, ठीक है। वो इलाहाबाद में एक लाल किला है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। उसी को मतलब सेंटर बनाया गया था और वहीं से कैंगिंग जो था सबको मोबालाइज कर रहा था। सेंटर कहाँ था? इलाहाबाद में था, जो कि अब प्रयागराज हो गया। इसको इलाहाबाद घोषणा के नाम से भी जानते हैं या फिर रानी महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जी अंग्रेजों ने सर। सामान्य जनता के लिए बांटो और राज करो की नीति अपनाई। उसने सोच लिया भाई साहब, इसने सबसे बड़ा करी उसने देखा, तो इसने इतने मजबूती से हमारा विरोध इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े, ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्या था? सिर्फ मुसलमान और हिंदू दोनों एक साथ आ गए थे, तो उन्होंने सोच लिया कि भारत में अगर प्रशासन अगर करना है तो मुसलमानों को इनको हमको तोड़ना होगा। और इसी क्रम में मुसलमानों को तोड़ने के लिए आगे चल के 1909 का पार्लियामेंटो एक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। बोलिए। बांटो राज करने का नीति सर आरंभ करना जरूरी था क्या इसमें? बिल्कुल, बांटो और राज करो की नीति का पालन करना आरंभ किया गया, क्योंकि अगर बांटो और राज करो की पालन अगर की नीति अगर मजबूत नहीं करता तो आगे चल के बहुत ऐसे भी विद्रोह, आप देखिए 1857 के विद्रोह के बाद कोई ऐसा विद्रोह बता दीजिए जिसे मुस्लिम या हिंदू साथ आया है, कोई ऐसा विद्रोह नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप कह भी सकते हैं, मतलब यहाँ पे हुआ था लियाकत अली, सॉरी इलाहाबाद के कोई दोनों भाई का नाम क्या, जैसे अली बंधु ने जो शुरू किया था, क्या नाम था उस विद्रोह का, जो खिलाफत आंदोलन, उसमें आप बोल सकते हैं, लेकिन उसमें खिलाफत को भी आप इसमें सैयद कंपैरिजन अली, नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद अली, हाँ बिल्कुल, इसलिए भी शौकत आप अली, उसको शामिल मोहम्मद नहीं अली। कर सकते क्योंकि गांधी जी का उसमें अपना नीतिगत मतलब नीतिगत गांधी जी का उसमें वो छिपा हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अपना लाभ छिपा हुआ था गांधी जी का। और उसमें भी गांधी जी ऐसा काम कर देते उसके बाद मुसलमान हमेशा के लिए नाराज रहते हैं, क्योंकि आपका पता होगा खिलाफत जब 1919 में जब शुरुआत हुई थी, 1922-20 में जब उसको असहयोग के साथ जब उसका खिलाफत को शामिल कर दिया गया था और खिलाफत का नेता जब गांधी जी को चुन लिया गया था, तो गांधी जी जब असहयोग जब वापस लेने गए तो खिलाफत के नेताओं के साथ उनको विचार विमर्श जरूर करना चाहिए से भाई साहब असहयोग वापस लेने जा रहे हैं, क्या तुम खिलाफत चलाना चाहते हो कि खिलाफत असहयोग के साथ वापस हो जाए? लेकिन गांधी जी ने किसी भी नेताओं से, ना तो लीग के नेता से पूछा, ना तो खिलाफत के नेताओं के साथ पूछा। और उन्होंने 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी को मतलब उन्होंने, ठीक है, क्या किया, 1922 को जब असहयोग वापस लेते तो उसके साथ खिलाफत भी वापस हो जाता, क्योंकि दोनों के दोनों साथ में चल रहा था। इससे मतलब मुसलमान और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश ने बहुत अच्छा गेम खेला था मुसलमानों का हिंदुओं से बांटने के लिए। इसलिए आप देखोगे जब शिमला में मतलब एक मुसलमानों का दल मिलने जाता है जिसका नेतृत्व आगा खान कर रहा था, अब 1906 में जब मिलने जाता है, हमको हम जो है मतलब एक ना उस नस्ल से आते जिसने भारत पे हमेशा शासन किया है, भले ही हमारी संख्या कम है लेकिन हमको मतलब इस रूप में मतलब पहचाना जाए, हम ब्रिटिश शासन के हमेशा मतलब क्या बनेंगे, हमेशा मतलब वफादार बन के बनेंगे, हमको मतलब सुपीरियर क्वालिटी का प्रजाति समझा जाए। और वहां पे मिंटो से जब मिलता है शिमला में 1906 में, तो मिंटो इनको समझाता है ऐसा करो तुम सबसे पहले अपना संगठन बनाओ। अब मिंटो को कहने पे ही मतलब 1906 में बांग्लादेश के ढाका में जाके मुस्लिम लीग का गठन होता है, इसकी आग कहीं ना कहीं मिंटो ने ही लगाई थी, ठीक है। अब बाद में जाके बोलता है तुम पहले संघ तो बनाओ, अपना यूनिटी तो दिखाओ, उसके बाद हम तो तुमको रिकोनाइज कर ही देंगे। अब मिंटो ने सबसे पहले रिकोनाइज किया था, ठीक है। तो यही की इसकी शुरुआत 1857 के विद्रोह में ही मतलब दिख गई थी। अगर भारत में अगर हमको सर्व लंबे समय तक अगर रूल अगर करना है तो हमको कहीं ना कहीं से मतलब मुसलमानों का मतलब हिंदुओं से मतलब क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अलग सिख करना कम्युनिटी को पड़ेगा। तो ऑलरेडी इन्होंने पहले तोड़ ही दिया था, ठीक है। सिख ऑलरेडी टूटे हुए थे, ठीक है, ध्यान रखा। अभी तक भी सिख जो है देखिएगा, अभी तक भी सिख जो है कहीं पर भी मुसलमानों से लड़ाना होता था सिख को भेजा जाता था। जैसे अफगानिस्तान वार, एंग्लो इंडियन अफगान वार में कौन थे, सिख थे, जिसका आपने एक फिल्म भी देखा था अभी हाल फिलहाल में, अक्षय कुमार की कोई फिल्म आई थी ना, देखा था ना, उसमें देख रहा क्या था, नाम था देखे ना उसका? हाँ अफगानिस्तान के सेनाओं के साथ किस तरीके से, जब भी अफगानिस्तान भेजना होता किसको भेजते थे, सिख को भेजते थे, क्योंकि सिखों का जो मतलब जो उनका जो इतिहास उलाट के देखेंगे तो सिखों का जो खून जो था जी मुसलमानों के हाथों मतलब क्या था,
कत्लेआम हुआ था, जब भी मुसलमानों से लड़ाई हो तो इस सिख का प्रयोग करते थे। और उसके बाद सेनाओं में, मतलब इसने क्या किया, सेनाओं में यूनिटी तोड़ने के लिए से बटालियन कर दिया, तो चलिए यही रेजिमेंट होगा, यह बिहार रेजिमेंट होगा, यह सिख रेजिमेंट होगा, यह भूमिया रेजिमेंट होगा, यह राजपूत रेजिमेंट होगा, इस तरीके से गोरखा रेजिमेंट होगा, इसने की यूनिटी बना दिया जो भाई साहब कभी भी ये लोग साथ नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इस रेजिमेंट बनाने की बात जो थी इसी समय पील कमीशन के अनुशंसा के बाद ही मतलब की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसने मतलब क्या किया, भारतीयों की एकता तोड़ने का काम किया। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल चलिए अब यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं जो कि बता दे रहा हूं आपको। हाँ, आप देखेंगे इसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बाद चरणों को प्रेरणा दी 1857 के विद्रोह को, इसलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह कहा जाता है। कहीं न कहीं से मतलब इन्होंने देख लिया से मतलब ब्रिटिश आर नॉट सुपीरियर, ठीक है, इनको भी पराजित किया जा सकता है। ठीक है, ये मतलब आने वाले, मतलब आने वाला जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसको प्रेरणादायक के रूप में, मतलब यह विद्रोह आपको एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसके बारे में केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी लिखा गया एवं चर्चा की गई, जैसे बेंजामिन डिजराइली, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने भी इनके बारे में चर्चा किया था क्योंकि कार्ल मार्क्स इस समय एक्टिव थे, दे आर मतलब गुडविल, मतलब ब्रिटिश, मतलब बाहर में जाएंगे तो कार्ल मार्क्स का बड़ा नाम था उस समय। दास कैपिटल भी इनको 1867 के आसपास देखने का आती है, तो इन सभी काफी एक्टिव थे। डिजराइली की बात करें, इन्होंने मतलब इसने क्या बताया था, प्रथम स्वतंत्र, राष्ट्रीय डिजराइली ने विद्रोह, क्या कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक राष्ट्रीय है, नेशनल विद्रोह मूवमेंट बताया कह के था। मतलब बताया था, बिल्कुल। उसके बाद देखेंगे इसने राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोधी बीजों का समावेश था, इसमें राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोधी बीजों का समावेश, राष्ट्रवाद तो था ही नहीं भाई साहब, इतने भी स्तर पे अगर लड़ रहे थे कहीं ना कहीं यूनिटी तो था, लेकिन इसमें एक चीज देखा जा रहा, सभी लोगों का अपना अपना हित छिपा हुआ था। ठीक है, और इनके पास कोई भी मतलब इस तरह का प्लान नहीं था, ब्लूप्रिंट नहीं था। अगर मान लीजिए ब्रिटिश अगर यहाँ से चले जाए तो यहाँ पे क्या किया जाए, किस तरह की शासन व्यवस्था आएगी, क्या फिर से मुगल को मतलब बैठा दिया जाएगा सत्ता पे, तो ये इनके दूरदर्शिता नहीं था इसमें। ठीक है, लेकिन मतलब ये राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोधी बीजों का समावेश जरूर था, लेकिन इस विद्रोह में संयुक्त राष्ट्रीय और राष्ट्र की संकल्पना सम्मिलित नहीं थी, जो वही मैं बता रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्रीयता नहीं थी, राष्ट्र की संकल्पना सम्मिलित नहीं थी। जैसे कि भारत 1942 में जो नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करेगा तो था नहीं से भाई भारत एक समाजवादी राष्ट्र बनेगा, भारत में लोकतंत्र आएगा, भारत की संविधान बनेगा, इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये सारी चीजें थी ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, मतलब कोई प्लान नहीं था, मतलब क्यों लड़ रहा है, लीडरलेस, मतलब कोई ऐसा कुछ था ही नहीं, सब लड़ तो रहा था, क्यों लड़ रहा था, किसी का जमीन छीन लिया गया था इसलिए लड़ रहा था, किसी के पेंशन बंद कर दी गई थी इसलिए लड़ रहा था, किसी के राज्य छीन लिया गया था इसलिए लड़ रहा था, मतलब वही, मतलब रीजन एक होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग साथ में लड़ रहे हैं तो हमारा सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, नहीं तो अगर अलग अलग उद्देश्य रहेगा तो क्या होगा, एक आदमी का उद्देश्य का पूर्ति होगा, वह बैठ जाएगा, सब हम क्यों लड़े, लेकिन सबका अगर उद्देश्य एक होगा तो इसीलिए राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं था। अगर मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे लीडर तो लड़ तो रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का एक नेता होना चाहिए, गांधी की बात की वो राष्ट्रीय स्तर का नेता थे, बहुत सारे उनके मतलब उनके बहुत सारे हाथ पैर तो थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे पहचान उन्हीं को जाता, क्योंकि उसने सारे मतलब क्या किया, सारे मतलब आंदोलनों का मतलब उन्होंने लीड किया। ठीक है, चलिए इसने भारतीय प्रशासन और विधायिका कार्यपालिका के ढांचे में मतलब सुधार आए, क्योंकि बहुत सारे इसके बाद एक लेकर के 1858 1861 है। ठीक है, उसने भारतीयों के प्रशासन में भी सहभागिता दिलाएगी। उसके बात करेंगे हिंदू और मुसलमानों को भी सभी स्तरों पर जैसे सामान्य लोगों, सिपाहियों और नेताओं में पूर्ण मतलब सहयोग रहा। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में मैंने बोल भी दिया, हिंदू मुसलमान एकता के ऊपर बात की जाती है तो 1857 की घटना ये दर्शाती है कि 1858 से पहले भारत में सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता समझते हैं ना, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, अपने धर्म से ऊपर मतलब किसी धर्म को मतलब वो नहीं मानना। ठीक है, और भी बहुत सारे चीजें होती, लेकिन मुख्यतः सांप्रदायिकता के कारण धर्म ही होता है। तो 1857 से पहले भारत में कहीं भी सांप्रदायिकता नहीं देखने को मिलती है, लेकिन 1857 के बाद ब्रिटिश इस तरह की मतलब बीज बो देता है जिसके सांप्रदायिकता का जन्म मतलब माना जाता है। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के सभी स्तरों पर जैसे सामान्य लोगों, सिपाही और नेताओं में पूर्ण सहयोग रहा। ठीक है, 1857 में, ठीक है, ध्यान रखें, सभी नेताओं ने बहादुर शाह जफर को भारत के सम्राट के रूप में स्वीकार किया था। रीजन तो यही था ना, ये तो मुसलमान थे तो इनको हिंदू नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी ने मतलब इनको स्वीकार किया। हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों में विद्रोहियों के एक दूसरे की भावनाओं का मतलब सम्मान किया, उदाहरण के लिए ठीक है गौ हत्या का तत्काल निषेध किया गया। ठीक है, गौ हत्या को तत्काल निषेध किया गया क्योंकि इसमें मतलब कहीं ना कहीं हिंदुओं का मतलब क्या था, उनका क्या बोलते हैं, उनका मतलब धार्मिक आस्था था, तो मुसलमानों ने भी धार्मिक इनको मतलब स्वतः ही जी मतलब क्या किया, मान लिया। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों दोनों का पर्याप्त जी प्रतिनिधित्व, उदाहरण के लिए नाना साहब को पक्ष में, ठीक है, राजनीतिक
प्रचार के विशेषज्ञ अजीमुल्ला थे, मतलब अजीमुल्ला साहब जो राजनीतिक मतलब क्या थे, विशेषज्ञ थे। और इनको यह भी बोला गया था, इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई के अफगान सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। यह भी बोला गया राजा जो थे इसके बाद सर बहादुर शाह जफर को बना दिया जाएगा। अरे तात्या टोपे, क्या नाम था इनका, क्या नाम था यहाँ पे, ठीक है, किसका नाना सर? साहब को मतलब उनका मतलब प्रधानमंत्री मतलब नियुक्त किया गया था। ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट को आप लोग सीधे सीधे रट लीजिए, 1857 का, ठीक है, स्वतंत्र समग्र बीडी सावरकर ने कहा था। इन्होंने क्या कहा था ध्यान में रखेंगे, तो पहला 1857 स्वतंत्रता का, हाँ संग्राम। बिल्कुल ठीक है, सावरकर ने इस युद्ध को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। उन्होंने इसे, ठीक है, प्लांड वार, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि स्वतः शुरू का, प्लांड वार, नेशनल इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता स्वतंत्रता का नियोजित संग्राम के रूप में, ठीक है, व्याख्या किया था। किसने किया था, तो सावरकर साहब ने, ठीक है, बीडी बीडी सावरकर साहब ने, सावरकर ठीक है। 1857 पुस्तक की नाम है, किनकी पुस्तक का नाम है, तो सेन साहब की पुस्तक है, एम एस सेन साहब की पुस्तक। इन्होंने क्या कहा, इनका मानना था कि यह विद्रोह शुरू तो धर्म के लड़ाई के रूप में हुआ था, किंतु अंत तक आते आते स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया था। ठीक है, ध्यान रखिए, किनका जी कहना सर। है, तो सेन साहब का। उसके बाद आरसी मजूमदार ने क्या कहा, इन्होंने कहा न तो पहला, न तो राष्ट्रीय, और न ही मतलब स्वतंत्रता नहीं संग्राम माना है, स्वतंत्रता क्योंकि देश का अधिकतर भाग इससे संग्राम अप्रभावित रहा, और लोगों ने, कई वर्गों ने स्वतंत्रता के इस लहर में मतलब भाग नहीं लिया। ठीक है, किनका ये कथन जी है, सर, तो ये कथन जो है मजुमदार साहब का। ठीक है, एक किताब और भी ये पूछा जाता है, नेहरू मजूमदार के किस पुस्तक ने, नेहरू ने किस पुस्तक में भारत 1857 विद्रोह का चर्चा किया था। उनका पुस्तक का नाम है भारत की भारत से खोज, हमने, ठीक है, भारत की खोज, ठीक है, क्या नाम है, भारत की खोज अहमदनगर है। इसमें 1857 के विद्रोह जेल के, में लिखे बिल्कुल, थे। हाँ, एक सावंती विद्रोह माना, जिसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व भी मतलब क्या थे, विद्वान थे। ठीक है, एम एन रॉय साहब की बात करेंगे, तो कम्युनिस्ट लीडर थे। इनके अनुसार विद्रोही व्यावसायिक पूंजीवाद के खिलाफ सामंतवाद का आखिरी संघर्ष था। तो ये कम्युनिस्ट लीडर थे, तो जाहिर सी बात है, ये मतलब क्या करेंगे, पूंजीवाद के ऊपर ही मतलब क्या करेंगे, हेलो सर, चोट हेलो करेंगे। ठीक है, हेलो सर, हाँ हेलो। बोलिए। हाँ बोले कि सर, इंद्रधनुष का मिडिल कॉलर कौन सा होता है? अरे जी सर, अभी हिस्ट्री चल रहा है तो आई कहाँ से आ गए। जी वाई ओ आर टेस्ट लेने आते हैं, ठीक है, ग्रीन होता है, लाल ठीक है, BIBGYOR, ठीक है, अगर कोई अगर पढ़ा रहा है इतने लोगों के बीच में, ठीक है, तो बेवकूफ नहीं होता है। ठीक है, चलिए हिस्ट्री पर ही चुपचाप। आरपी दत्त की बात करेंगे, तो इन्होंने इसे विदेशी आधिपत्य के खिलाफ किसानों के विद्रोह के रूप में मतलब क्या किया है, देखा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आउट्रम की बात करेंगे, हिंदुओं के विपत्तियों से फायदा उठाने के हेलो। मुसलमानों की एक साजिश का, मतलब इसने बोला कि भाई साहब ये हिंदू मतलब क्या, हिंदू के ऊपर विपत्ति तो हेलो आई थी, रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, अनडिसिप्लिन हेलो चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती, ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, हिंदुओं की विपत्तियों का फायदा उठाने के लिए मुसलमानों की एक मतलब साजिश थी। ठीक है, ध्यान, एसवी चौधरी की बात करेंगे, तो यह विद्रोह विदेशी सत्ता को चुनौती देने के लिए लोगों के कई वर्गों में मतलब पहला मतलब क्या था, संयुक्त प्रयास था। ठीक है,